दोस्तों मेरे घर से लगभग 20-22 किलोमीटर की दूरी पे एक और रेस्क्यू कॉल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक दरवाज़े पे किस तरह से एक जहरीला कोबरा, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा बैठा हुआ है। और ये भी एक स्टोर रूम है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनाज स्टोर करके रखा जाता है। और लगभग 2.5 महीने पहले यहाँ से मैंने एक काफ़ी बड़ा एक कोबरा रेस्क्यू किया था। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि घर वालों को एक और नाग दिखाई दिया जो काफ़ी अब उग्र रूप ले चुका है, और किस तरीके से देख सकते हैं आप ये बैठा हुआ है। तो दोस्तों इसका यहाँ पे आने का रीज़न ये है कि यहाँ पे चूहे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनाज स्टोर करके रखा जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरीके से ये बैठा हुआ है। इसकी बैठे रहने की वजह ये है कि दरवाजे के गैप में ये अटक चुका है। तो दोस्तों हम इसे कोशिश करेंगे कि कोई नुकसान ना हो। काफ़ी खतरनाक सिचुएशन में बैठा हुआ है, और शायद ये यहाँ से निकल नहीं पा रहा था क्योंकि ये यहाँ पे फंस चुका है। इसको देख सकते हैं, सांप पकड़ने के लिए हमेशा हमारे पास सिचुएशन बहुत खतरनाक होती है, लेकिन क्या करें दोस्तों, हमारा काम ऐसा है कि हमें करना ही पड़ता है। देख सकते हैं काफ़ी दरवाजे में फंसा हुआ है सांप, की पूँछ फंसी हुई है। तो चलिए यहाँ से तो निकल गया ये, हम इसे अब परेशान नहीं करेंगे, हम इसे रेस्क्यू करेंगे। काफ़ी देर से ये इस पे बैठा हुआ था। आप सोच सकते हैं अगर किसी का अगर ध्यान ना हो और इस सांप के अगर इस सांप से सामना हो जाए तो क्या हाल हो जाएगा हमारे देश का सबसे खतरनाक सांप। देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा और काफ़ी सांप है। चलिए हम मुश्किल होता है इस सांप को अंदर रखना। देख सकते हैं आप किस तरीके से रेस्क्यू तो हो गया है। अब जल्द से हम इसकी सही जगह पे रिलीज कर देंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।